फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खमंड ढोकला। हलवाई जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी जालीदार खमंड ढोकला। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून टार्टरी या सिट्रिक एसिड। आपकी देखिए घर की जो चम्मच है वो आधी हीप्ड है, पर हाफ हीप्ड स्पून। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने यही 1 टीस्पून साल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून टर्मरिक हल्दी, ये देखिए एक बड़ी चम्मच है या टेबल स्पून कह लीजिए। 3 बड़े चम्मच शुगर डालेंगे इसमें, ग्राम्स में इसे मेज़र करेंगे तो ये 40 ग्राम्स है। अब घर की जो ग्लास है, छोटी ग्लास, उसमें से आप मेज़र कर सकते हैं या कप से 200 ml ये वाटर है वो उसमें डालना है। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। आप चाहें तो वाटर लुकवर्म ले सकते हैं, जैसे ये सब चीज़ें जल्दी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं। मैंने तो नॉर्मल वाटर ही यूज़ किया है, लुकवर्म वाटर लेने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि ये डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व हो गई हैं। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी सारी चीज़ें अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होंगी तो ढोकले बनने में आगे प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए घर का एक बाउल या मेज़रमेंट का जो कप रहता है, मैंने बेसन इससे मेज़र किया है। मैंने 2 कप बेसन यानी 200 ग्राम्स बेसन लिया है। बेसन को मैंने पहले से ही छान लिया है, बेसन को स्ट्रेन करके लेना बहुत ज़रूरी है। अब बेसन को डिज़ोल्व वाटर में मिक्स करेंगे सॉल्यूशन में। बेसन को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से मिक्स करना है, ध्यान रहे हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, जैसे जो एयर फॉर्म हो अंदर वो वापस निकल ना जाए। अब इसमें 40 ml तक ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल हम घर में यूज़ करते हैं, वो लगभग 4 बड़े चम्मच हमें इसमें डालने हैं। बेसन ड्राई होता है इसीलिए इसमें ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसमें इस वक्त ग्रीन चिल्ली और जिंजर पिसा हुआ डाल सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करना है, पर ध्यान रहे हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। ढोकले बहुत सारे लोगों को पसंद हैं, पर ये सबके अच्छे से बनते नहीं हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अगर इस तरीके से सारे टिप्स फॉलो करके बनाएंगे तो आपके ढोकले बहुत अच्छे बनेंगे। और एक बात, बेसन अगर चक्की का पिसा हुआ हो तो उसके ढोकले और ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। मेरा बेसन चक्की का पिसा हुआ ही है, आप जो भी बेसन चूज़ करें वो फाइन पिसा हुआ होना चाहिए। अब इसमें ग्रेजुअली हम पानी डालेंगे, पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है। बेसन अब अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें फ्लोइंग ही रखनी है, जैसे केक की होती है। बेसन को चम्मच से नीचे गिराएं तो वो अच्छे से एक तार से नीचे गिरना चाहिए। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। जिस बर्तन में हमें स्टीम करना है उस बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दें और एक रिंग या प्लेट कुछ रख दें। जिस टिन में या थाली में हमें ढोकले बनाने हैं उसे ऑयल से ग्रीस कर लें। 5 मिनट हो गए हैं, बैटर को चेक कर लेते हैं। अगर बैटर थिक हो गया हो तो आप इस समय इसमें 1 या 2 स्पून पानी फिर से ऐड कर सकते हैं, पर ये देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ही है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें डायरेक्शन मिक्स करने का एक ही रखना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरफ फ्लोइंग ही होनी चाहिए।
अब इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा मिक्स करेंगे। इसे डायरेक्ट मिक्स नहीं करना है, इस पे हल्का सा पानी मिक्स करना है जिससे सोडा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और जल्दी से एक्टिवेट हो। सोडा को हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसके पार्टिकल्स अगर रह जाएंगे तो हल्दी के साथ मिक्स करके वो रेड रेड स्पॉट्स बनते हैं। सोडा डालने के बाद 30 सेकेंड्स के अंदर हमें इसे टिन में ट्रांसफ़र करना होता है, पर इसे मिक्स भी अच्छे से करना है और ओवर मिक्स भी नहीं करना है। अगर हम इसे ज़्यादा घुमाएंगे तो इसकी जो एयर फॉर्म हुई है वो निकल जाएगी। देखिए सोडा डालने के बाद बैटर कितना हल्का प्लफी हो गया है। ध्यान रहे इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने इसे ट्रिन में ट्रांसफ़र कर लिया है। ध्यान रहे सोडा डालने के बाद 30 सेकेंड्स के अंदर टिन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब ढोकलों को स्टीम करने के लिए रख देते हैं। ध्यान रहे कि पानी पहले से ही बॉयलिंग होना चाहिए। उबलते हुए पानी में ही हमें ढोकले स्टीम करने के लिए डालने हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए फास्ट गैस पे, फिर 15 मिनट के लिए सिम गैस पे रखना है। 25 मिनट हो चुके हैं, ढोकलों को चेक कर लेते हैं। नाइफ से ढोकलों को देखेंगे, चेक करके देखिए नाइफ बिल्कुल क्लियर आया है। इसका मतलब हमारे ढोकले अच्छे से पक गए हैं। गैस ऑफ कर लेते हैं। तड़के के लिए पैन में ऑयल गरम कर लिया है मैंने। अब उसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। राई जब फूटने लगे तो उसमें कुछ करी लीव्स डालेंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मैंने इसमें मोटी हरी मिर्च का यूज़ किया है। मिर्ची को थोड़ा तड़कने देते हैं। मिर्ची अब तड़क गई है। अब इसमें मैं 200 ml तक वाटर डाल रही हूँ। हमने 200 ग्राम बेसन लिया था, उसके सामने 200 ml तक मैंने वाटर डाला है। उसी ग्लास से या कप से मेज़र करें। पानी के टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालना है। 1 टेबल स्पून शुगर डालनी है हमें। तड़के को भी हमें खट्टा मीठा और तीखा बनाना है। हल्का सा नींबू का रस या सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं आप। गैस ऑफ कर लेते हैं। नींबू का रस डालने के बाद उसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है। ढोकले को प्लेट में अनमोल्ड कर लेते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं ढोकले अनमोल्ड कर रही हूँ। तड़का हमें उसी टिन में देना है जिसमें हमने ढोकले बनाए हैं। हम उसे दूसरी प्लेट रख के फ्लिप कर रहे हैं। ढोकले कितने इजीली अनमोल्ड हो गए और देखिए ये कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। लग रहे हैं ना हलवाई जैसे जालीदार ढोकले। ढोकले को मैंने फिर से टिन में डाल दिया है। ढोकले को अब स्क्वायर्स में कट कर लेते हैं। ढोकले को पीसेस में कट कर लिया है मैंने। देखिए कितनी जालियां है ये इसमें और कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। ढोकले अभी भी हल्के गर्म हैं। इसे आप एक बार घर में ज़रूर बनाइए। छोटी छोटी ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो आपके भी ढोकले बहुत ही अच्छे बनेंगे। ढोकले में तड़का डाल देते हैं। ध्यान रहे तड़का भी, तड़के वाला पानी भी हल्का गर्म होना चाहिए और ढोकले भी हल्के गर्म। ढोकले एकदम ठंडे नहीं होने चाहिए और तड़का भी एकदम गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका दोनों का टेम्परेचर
लुक वार्म होना चाहिए। हमें ये सारा तड़का ढोकलों के ऊपर डाल देना है। अब ढोकलों को 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है, जैसे वो पूरा पानी जो तड़का हमने ढोकले में डाला था वो एब्जॉर्ब हो जाए। बेसन ड्राई होता है इसलिए ढोकले ये सारा पानी एब्जॉर्ब भी कर लेंगे और उसके बाद सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगे। ढोकलों को मैंने प्लेट में निकाल दिया है, उसे ग्रेटेड कोकोनट, कोरिएंडर और ग्रीन चिली से गार्निश कर लिया है। एक बार ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।